हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डायरेक्शन के टाइप 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो ये टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की। जैसा ही फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप 1 को, और जब हम बात करेंगे इसके टाइप 1 की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के अंदर क्या होगा कि जो क्वेश्चन का प्रकार होगा, उन क्वेश्चंस के अंदर में इनिशियल डायरेक्शन गिवन होगा, आरंभिक दिशा दी गई होगी, और हमसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट डायरेक्शन क्या है, अंतिम डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो ये व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये तो कहलाएगी व्यक्ति की इनिशियल डायरेक्शन, आरंभिक दिशा। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर वह व्यक्ति कुछ दूर चलता है, और कुछ दूरी चलने के बाद वह लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आएंगे हमारे फ्रेंड्स टाइप 1 के अंदर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात, जो ये टाइप 1 है, इसके अंदर मैं आप लोगों को 3 तरीके के कंसेप्ट बताऊंगा। मतलब कि टाइप तो ये 1 ही है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर हम 3 तरीके के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट 1 को। और कंसेप्ट 1 को मैंने नाम दिया है इफ टोटल नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो भी हमारा एक टाइप है, इसका जो मेन बेस है वो तो यही होगा, इन सभी क्वेश्चंस में हमें इनिशियल डायरेक्शन दी गई होगी और लास्ट डायरेक्शन निकालने को कहेगा। लेकिन इसके अंदर भी हमसे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट होगा इफ टोटल नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया है, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखें, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है, और आप लोग जानते हैं डायरेक्शन के अंदर ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा होता है नॉर्थ। कौन सा होता है फ्रेंड्स? नॉर्थ। तो हमने यहां पर क्या देखा कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है, और फ्रेंड्स जो ये उत्तर की ओर जा रहा है ना, जो ये उत्तर की ओर जा रहा है, यही हमारी हो जाएगी क्या? इनिशियल डायरेक्शन। क्या हो जाएगी? इनिशियल डायरेक्शन हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाई ओर मुड़ जाता है, आफ्टर ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर ही टर्न्स राइट। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ जाता है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी डायरेक्शन के अंदर आपसे राइट बोले तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह आपसे क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है, वह आपसे क्लॉकवाइज टर्न लेने के लिए कह रहा है। तो देखें, 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, वह राइट मुड़ जाता है। वह किस ओर मुड़ जाता है फ्रेंड्स? राइट की साइड में मुड़ जाता है। आप लोग जानते हैं नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट होगा हमारा ईस्ट। कौन सा होगा? ईस्ट होगा। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है और 1 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है फ्रेंड्स? 1 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स यहां पर हमने लिया था ये राइट, 1 किलोमीटर चलता है,
पुनः 1 किलोमीटर चलने के बाद और 1 किलोमीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ जाता है, वह लेफ्ट मुड़ जाता है। और आप लोग जानते हैं ईस्ट का लेफ्ट होगा ऊपर की ओर, कहां होगा ऊपर की ओर होगा। तो फ्रेंड्स अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ की ओर, किस साइड, नॉर्थ की ओर। तो इस प्रकार से इसकी जो लास्ट डायरेक्शन हो जाएगी, जो लास्ट डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, नॉर्थ हो जाएगी। और इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप एक बार और देखें, क्वेश्चन में कहा गया है किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है। तो देखें ये व्यक्ति का घर और वो अब जा रहा है उत्तर की ओर, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ जाता है। और आप लोग जानते हैं नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट, क्या होगा ईस्ट, और 1 किलोमीटर तक चलता है, और 1 किलोमीटर तक चलता है। पुनः 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाई ओर मुड़ जाता है फ्रेंड्स, लेफ्ट में मुड़ जाता है। और आप लोग जानते हैं लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, और ईस्ट का एंटी क्लॉक वाइज होगा ऊपर की ओर। तो इस तरीके से वो मुड़ गया कहां, लेफ्ट ऊपर की ओर। और क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, वह व्यक्ति जा रहा है नॉर्थ साइड की ओर, किस साइड, नॉर्थ साइड की ओर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि जो लास्ट डायरेक्शन हमें निकालने को कही थी वो हो जाएगी इसकी नॉर्थ डायरेक्शन। और एक और बात, यहां पर हमें इनिशियल डायरेक्शन दे रखी है जो कि हमारी क्या फ्रेंड्स, नॉर्थ, क्या है नॉर्थ। अब बात यहां पर आती है कि क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे, नहीं नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दें ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमें इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो, आरंभिक दिशा दी गई हो और हमसे लास्ट डायरेक्शन निकालने को कहे, अंतिम दिशा निकालने को कहे, तो ऐसे केसेस में हमें यह देखना होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार राइट टर्न लिया गया है और कितनी बार लेफ्ट टर्न लिया गया है। तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर में एक बार तो लिया गया है राइट टर्न और एक बार लिया गया है लेफ्ट टर्न, एक बार तो लिया गया है राइट टर्न और एक बार लिया गया है लेफ्ट टर्न। फ्रेंड्स जब भी राइट और लेफ्ट दोनों टर्नों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे केसेस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, कट जाते हैं। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है हमने यहां पर देखा कि एक बार राइट टर्न है और एक बार लेफ्ट, तो इसलिए एक लेफ्ट से एक राइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब फ्रेंड्स दोनों संख्याएं पूरी की पूरी कट जाए, जब दोनों लेफ्ट और राइट पूरे के पूरे कट जाए, तो ऐसे केसेस में जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन होगी, जो हमारी आईडी होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, एलडी हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, एलडी हो जाएगी। कहने का मतलब हमारी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी फ्रेंड्स, हमारी इनिशियल डायरेक्शन थी नॉर्थ, क्या थी नॉर्थ, और यही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट डायरेक्शन भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, लास्ट डायरेक्शन भी हो जाएगी। और ये थी फ्रेंड्स इसकी क्या, शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स देखो जब आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हमने देखा कि जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन होगी वही हमारी लास्ट डायरेक्शन भी होगी, और ये बात यहां पर प्रूफ हो चुकी है कि यहां पर हमारी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ, और फ्रेंड्स यहां पर हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, एक बार और सुने, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो और लास्ट डायरेक्शन निकालने को कही, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर में ये देखने हैं कि उसमें कितनी बार राइट टर्न लिए गए हैं और कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए गए। तो फ्रेंड्स
हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर एक बार तो राइट टर्न लिया गया था और एक बार लिया गया था लेफ्ट टर्न, और जब टोटल नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, जब राइट और लेफ्ट दोनों की संख्या क्या हो बराबर हो, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, ये कट जाते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर चार राइट होते और यहाँ पर चार लेफ्ट होते, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते, कट जाते। और जब ये पूरे के पूरे कट जाए, तो फ्रेंड्स ऐसे केसेस में जो हमारी आईडी होगी, जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन होगी, वही हमारी हो जाएगी लास्ट डायरेक्शन, वही हमारी हो जाएगी एलडी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को जो एक कंसेप्ट बनता कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारा कंसेप्ट नंबर 2। फ्रेंड्स अब हम यहां पर बात करेंगे इसके कंसेप्ट नंबर 2 की, और इस कंसेप्ट के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट, अर्थात जब कुल राइट्स की संख्या कुल लेफ्ट्स के बराबर ना हो, तो ऐसे केसेस में हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहां पर इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से। तो देखें, एक व्यक्ति अपने घर से कहां जा रहा है फ्रेंड्स, नॉर्थ की ओर जा रहा है। फ्रेंड्स जब इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, यही हमारी हो जाएगी क्या, इनिशियल डायरेक्शन, यही हमारी हो जाएगी आईडी। फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन में कहा गया है, 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह व्यक्ति लेफ्ट मुड़ जाता है। और आप लोग जानते हैं जब भी डायरेक्शन के अंदर में लेफ्ट की बात की जाए, लेफ्ट की बात की जाए, इट मींस वो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलने की बात कर रहा है, और नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, और पुनः 2 किलोमीटर चलने के बाद, और पुनः 2 किलोमीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ जाता है, वह लेफ्ट मुड़ जाता है। फ्रेंड्स अब वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ, क्या होता है साउथ। और क्वेश्चन में कहा गया है वह 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वह 2 किलोमीटर चलता है। देखें ये 1 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर इससे बड़ा होगा, तो वह 2 किलोमीटर चल रहा है, और अंत में वह राइट टर्न लेता है, और अंत में वह राइट टर्न लेता है। फ्रेंड्स साउथ का राइट टर्न हो जाएगा कौन सा, वेस्ट, कौन सा हो जाएगा वेस्ट। तो बताएं अब वह किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा, जो इसकी लास्ट डायरेक्शन हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी वेस्ट, क्या हो जाएगी वेस्ट। फ्रेंड्स इसे एक बार और देखें, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो देखें एक व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, और जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो जो नॉर्थ है वो हमारी हो जाएगी इनिशियल डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन में कहा गया है 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ जाता है, तो वह लेफ्ट मुड़ जाता है, और पुनः 2 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दोबारा से वह लेफ्ट मुड़ जाता है, और लेफ्ट मुड़ने के बाद वह 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वो टर्न लेता है राइट, कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स राइट। तो बताएं अब वह किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, तो फ्रेंड्स हम भी यहां पर देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि वो यहां पर किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, वो चल रहा है यहां पर वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो इस प्रकार से इसका जो एलडी लास्ट डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट।
हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखें वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एस ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि उसके अंदर इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो, इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो और लास्ट डायरेक्शन निकालने को कहे, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ये देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार लेफ्ट या फिर कितनी बार राइट टर्न्स लिए गए। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार लेफ्ट या राइट टर्न लिए गए, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 1 राइट। कहने का मतलब 2 लेफ्ट और 1 राइट। फ्रेंड्स 2 लेफ्ट का मतलब 2 टाइम्स लेफ्ट और 1 राइट का मतलब 1 टाइम राइट। मैंने आपको बताया कि हम एक लेफ्ट से एक राइट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर हमारा क्या बचा, लेफ्ट। अब जो ये लेफ्ट बचा है ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 लेफ्ट ऑफ आईडी, 1 लेफ्ट ऑफ आईडी। फ्रेंड्स आईडी हमारी क्या है यहां पर, आईडी हमारी क्या है यहां पर, नॉर्थ। क्या है, नॉर्थ। अब हम इस नॉर्थ का 1 लेफ्ट ले लेंगे और आप लोग जानते हैं 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वो डायरेक्शन हमारी होगी कौन सी, वेस्ट। कौन सी होगी, वेस्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने कहा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप लोगों को डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और बात, इस क्वेश्चन के अंदर में जो ये बात बोली गई है कि वो 2 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, इस क्वेश्चन में हमें इस डिस्टेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमसे यहाँ पर डिस्टेंस निकालने को नहीं कह रहा है, हमसे यहाँ पर सीधा सा पूछा जा रहा है कि अब वो व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इनके जवाब बहुत ही कम समय के अंदर में दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 की। किसकी फ्रेंड्स, कंसेप्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब डिग्री वाले क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे यहां पर कंसेप्ट नंबर 3 को, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब हमारे क्वेश्चंस डिग्री पर आधारित हों, डिग्री पर बेस हों, तो किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम समझेंगे इस एग्जांपल को। फ्रेंड्स यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर हमें आईडी दी गई है ईस्ट, फिर हमसे कहा गया है 45 डिग्री राइट टर्न लिया जाता है, फिर 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया जाता है और हमें ये बताना है लास्ट में कि उसकी एलडी क्या है, लास्ट डायरेक्शन क्या है। तो देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से ईस्ट की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये उस व्यक्ति का घर और वह व्यक्ति जा रहा है किस साइड में, ईस्ट साइड में। कहां जा रहा है, ईस्ट की ओर। और आप लोग जानते हैं जो ईस्ट डायरेक्शन होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल डायरेक्शन यानी कि आईडी हो जाएगी। कहने का मतलब जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से ईस्ट या फिर नॉर्थ या फिर साउथ या फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाए, मतलब कि जो भी हमें डायरेक्शन दे रखी होगी उसके घर से, वो डायरेक्शन हमारी कहलाती है इनिशियल डायरेक्शन। क्या कहलाती है, इनिशियल डायरेक्शन। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है वो व्यक्ति कुछ दूर ईस्ट की ओर जाने के बाद 45 डिग्री राइट टर्न लेता है, 45 डिग्री राइट टर्न लेता है। और आप लोग जानते हैं राइट मतलब कि क्लॉकवाइज चलने की बात कर रहा है, और जो ये ईस्ट है इसका 45 डिग्री राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, ये क्या हो जाएगा, ये यानी कि साउथ ईस्ट। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ दूरी चलने के बाद वह 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है। तो फ्रेंड्स
ध्यान दें, ये हमारा क्या है, ईस्ट, और ये हमारा साउथ ईस्ट। तो अब वो व्यक्ति 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, तो ये 135 मतलब 45 डिग्री ये, और फ्रेंड्स जब यहां से जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में पहुंच जाएगा, और ईस्ट का 90 डिग्री और कितना हो जाता है फ्रेंड्स, नॉर्थ, क्या हो जाता है, नॉर्थ। तो इस प्रकार से अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, वह व्यक्ति जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। कहने का मतलब अब इस व्यक्ति की जो लास्ट डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, एक साइड में लिख लेना है राइट और एक साइड में लिख लेना है लेफ्ट। कि अब आपको यह देखना है कि राइट में कितना टर्न लिया गया था 45 डिग्री, और लेफ्ट में कितना टर्न लिया गया था 135 डिग्री, और बड़ी वाली वैल्यू में से हमें क्या कर देना है, छोटी वाली वैल्यू को माइनस। और जब हम 135 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री आएगा ना, तो ये आएगा हमारा किसका, लेफ्ट का। क्यों, क्योंकि लेफ्ट की जो वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, हमारी बड़ी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 90 डिग्री लेफ्ट ऑफ आईडी, लेफ्ट ऑफ आईडी। कहने का मतलब जो हमारी आईडी होगी, जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन होगी, उसका अब हम ले लेंगे 90 डिग्री लेफ्ट। और आप लोग जानते हैं हमारी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, और इसका जो 90 डिग्री लेफ्ट होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्थ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इनके क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे टाइप वन के जो कंसेप्ट 3 थे, आप सभी लोगों को कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।